और वक्त हो गया है पांच की आंच का। मैं हूं आपके साथ अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर लेते हैं अतिक्रमण की खबर के साथ। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की सख्ती आज देखने को मिली है। उधर जमीन की लड़ाई के लिए किसानों ने खोल दिया है मोर्चा और हम आपको रिश्वत की भी लाइव तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से काम के लिए भारी भरकम रिश्वत मांगी गई है। बात श्योपुर की भी होगी जहां तहसीलदार के तल्ख तेवर हम आपको दिखाएंगे। कैसे तहसीलदार ने प्रशासन पर तंज कसा है, पूरी बात होगी उस खबर की जो खबर जरा हटके भी मानी जाती है। आपने बाइक कार रेस देखी होगी लेकिन हम आपको दिखाएंगे पांच की आंच में बैलगाड़ी की रेस। तो चलिए सबसे पहले अतिक्रमण वाली खबर पर आ जाते हैं। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की सख्ती राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। लोगों को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का वक्त दिया गया लेकिन लोगों ने इस नोटिस को, इस समय को गंभीरता से नहीं लिया और इसका ये परिणाम कि बुलडोजर एक्शन आज व्यापक स्तर पर देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दो तस्वीरें देखिए राजधानी भोपाल और रतलाम में किस तरह से यहां पर एक्शन हुआ है क्योंकि नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया लोगों ने और उसके बाद जो यहां पर हुआ उसके बाद हंगामा। भोपाल और रतलाम ये दोनों ही दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भोपाल की भदभदा बस्ती में एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया और इधर रतलाम यहां पर कार्रवाई के दौरान भरपूर हंगामा हुआ है। दोनों ही जगहों की तस्वीरें आज हंगामा पैदा करने वाली है। अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती, मोहलत खत्म, अब बुलडोजर एक्शन। भदभदा बस्ती में चला पीला पंजा, अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन की ओर से भदभदा बस्ती में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आने जाने वालों को बस्ती के बाहर रोक दिया, कुछ घर खाली करा दिए गए, बाकी घरों को भी खाली कराया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को 20 फरवरी तक घर खाली करने का समय दिया था, ऐसे में अब जो घर खाली नहीं हुए हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि एनजीटी के निर्देश के बाद यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में तालाब किनारे बसी भदभदा बस्ती का जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एनजीटी के निर्देश के बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पे बड़े पैमाने पर जो नगर निगम का अमला है, जिला प्रशासन का अमला है, वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को यहाँ से आने जाने से रोक दिया गया है। पूरा जो अतिक्रमण है, जो पूरी बस्ती है, उसे हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसे जैसे मकान खाली होते जा रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है और जो पूरा मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। 20 तारीख तक की, 20 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी इन मकानों को खाली करने के लिए। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। करीब 1000 जवानों की तैनाती की गई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब बस्ती में रह रहे लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जो यहाँ के रहवासी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि लंबे अरसे से, लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे थे और अब उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब ये बन चुका है कि अब वो कहाँ जाएंगे, वो अब कहाँ जाकर रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। हालांकि देखिए जिला प्रशासन का ये दावा है कि सबको तमाम जो इंतजाम है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने का काम किया जाएगा, किसी को घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी लगातार जो विरोध है वो यहां पर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।